रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में बुधवार को अंकुर शुक्ला की हुई हत्या के विरोध में परिजनों ने रुस्तमपुर के पास हाईवे पर शव रखकर जाम कर दिया। आपको बता दें कि बुधवार को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के निवासी अंकुर शुक्ला की कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दिया तथा परिजनों ने कुछ नामजद और अज्ञात के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में तहरीर दी थी और मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज हो गए और हाईवे पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एटीएम सिटी विनित कुमार सिंह, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित भारी पुलिस बल ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया, जिसके संबंध में एटीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की मांगों को मान लिया गया है तथा 48 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया है तथा गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी घर छोड़कर फरार है। पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के पिता महेंद्र नाथ शुक्ला, भाई राहुल, एडीएम सिटी विनित सिंह व एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सारा केवल यहाँ से लेकर के न्यायालय तक हम यहाँ चक्का जाम करने के उससे नहीं थे, लेकिन करने का हमारा मूल नहीं आया था। हमारा मूल ये भी जो सारा सारा काम ए से लेकर जेड तक बनाया, आप सहयोग करोगे नहीं मालूम किया है। पढ़े लिखे रोके ये पढ़े लिखे रो करके माँ बहन कर रहे हैं। अरे दो मिनट शांत रहो यार भाई, मिनट भाई बच्चे की अंतिम संस्कार माताओं बहुत बुरी तरह से मारा गया है। मैंने वीडियो को तो सुना, जितने मुस्लिम आपके हैं जो आपके बच्चे की हत्या में शामिल है वो सारे गिरफ्तार होंगे। आपने समय दिया है कुछ कब तक समय? जितना समय घंटा सुनो सुनो एक बात सुनो, तत्काल होती नहीं है, 24 घंटा हो चुका है, समय देना चाहिए पुलिस को। 48 घंटे का समय आपने दिया, कार्रवाई आप लोग करेंगे, समय मांग रहे हैं चारों और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए। कोई बचेगा नहीं, ठीक है सर, चलिए आप आश्वासन पे सर हम लोग करवा रहे हैं। इसके पहले की घटनाओं में भी आपने देखा होगा पुलिस हमेशा कार्रवाई कर रही, इवन पुलिस के खिलाफ आरोप लगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, गाड़ी से चाबी निकाला गया। राहुल अनुभूत सर चोट न लग जाए, हम ये डर रहे ना। गाड़ी चालक लड़के कौन है आप? लड़के का मैं बाप हूँ, भागा बाप हूँ मैं। हमें मांग इतना ही है
मेरा 16 साल का लड़का का हत्या कर दिया गया है। अपराधियों का आज तक ले 24 घंटे के अंदर जो है कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और कह रहे हैं 24 घंटा 48 घंटा में मैं अब जो उसको गिरफ्तार कर लूंगा। इनका कहना ये है और ये आश्वासन दे रहे हैं हम लाश को फूंक दें उसके बाद ये जैसी आराम भरे बैठ जाएंगे। मेरा नाम राहुल शुक्ला, मैं मृतक अंकुर शुक्ला का बड़ा भाई हूँ। यथाशीघ्र उसको पकड़ करके उसकी गिरफ्तारी किया जाए और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं किया है। 24 घंटा हो चुका है, मुकदमा दर्ज हुआ था कल शाम को। अवधेश पुत्र लक्ष्मी, सोनू पुत्र लक्ष्मी और दो और हैं, एक जय हिंद है और एक जय हिंद के साथ एक मनीष कट्टा हैं और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं। ये सभी अगल बगल के हैं, एक ही भाई पटदार हैं, एक ही परिवार से मिले जुले, एक ही गांव के रहने वाले हैं। कल शाम को थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर ग्राम में एक व्यक्ति अंकुर शुक्ला, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल बताई जा रही है, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसको लेकर परिजनों की मांग थी कि उन हत्यारों की जिन्होंने अंकुर शुक्ला की हत्या की है उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए। उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पर सड़क पर बैठ गए थे, सड़क पर लेटे हुए थे, इनकी यही मांग थी। इनसे सबसे बात की गई है, अभी बात करने के दौरान ये हुआ है कि 48 घंटे का समय इन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर पुलिस प्रशासन को दिया था कि पुलिस प्रशासन 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करे, उसके बाद भी यहाँ बैठे हुए थे। इनसे पुनः बात की गई है और ये इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इनको तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इसके लेकर हमारी पुलिस की कई टीमें बनाई जा रही हैं और वो क्षेत्र में दबिश देकर शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करके हत्यारों को विधि के अनुसार जो भी सजा होगी वो दिलाने का कार्य करेगी। सर, आपके ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया है परिजनों ने। देखिए, इनके द्वारा, परिजनों के द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे सारी बातें हो गई थी और इन्होंने समय दिया था हमें कि 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं, आप गिरफ्तारी कर लीजिए। उसके बाद फिर ये आके यहाँ पर सड़क पर लेट गए थे जिससे मेन हाईवे जाम हुआ था। कुछ लेटे हुए लोगों को हटाने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने उनके साथ अभद्रता की, मैंने उनके पिताजी से उसके लिए बात भी की है, उनसे पिता हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे मैंने क्षमा भी मांगी है और उनको अगर लग रहा है कि अभद्रता हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं है और सारी बातें हो गई। देखिए, हम अति शीघ्र प्रयास करेंगे, 48 घंटे का परिजनों से बात हुआ है, हमारी प्रयास होगा कि हम 24 घंटे के अंदर कर दें या जितनी जल्दी कर लें। बहुत ही निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, घटनास्थल पर कप्तान साहब स्वयं गए थे, मैं भी था और उसमें क्राइम ब्रांच की टीम जो है कल रात भर कार्य की है, इंस्पेक्टर रामगढ़ तल्ले में सराहनीय कार्य किया है, परंतु जैसे परिजनों के थे वो बहुत ही दुखद उनके साथ घटना हुई है, बहुत ही दुखद मनस्थिति में थे, तो उनसे बात की गई थी बीआरडी पे भी और फिर अभी भी उनसे दोबारा बात की, उन्होंने दोबारा यहाँ पे अमर उजाला पे गाड़ी रोकी तो उनसे वार्ता की गई और उनको बिल्कुल आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 48 घंटे का समय दिया था हमें बीआरडी में, हम उससे भी पहले प्रयत्न करेंगे कि हम गिरफ्तार कर लें, आज ही हम प्रयत्न करेंगे एक या दो गिरफ्तारी आज ही हो जाए और बाकी जो गिरफ्तारियां हम उनके जो समय अवधि है उसमें बिल्कुल करने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए टीमें लगाई हुई हैं। कि जैसे ही सूचना हमें मिली थी कप्तान साहब और मैं स्वयं उनके घर पे गए थे, सभी लोग घर छोड़ के भाग गए थे वहाँ से और उनका मोबाइल वगैरह हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लिया था, ट्रैक भी किया जा रहा था, मैनुअली भी लगे हुए थे, परंतु उन लोगों ने रात में जो है हम बिल्कुल पास पहुंच गए थे मोबाइल वगैरह बंद कर दिए, अब मैनुअली लगाया गया है इसमें लोगों को और आज बिल्कुल गिरफ्तारी आज कर ली जाएगी और कल तक 48 घंटे का समय दिया उस समय तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो जाएगी। वही था कि देखिए, एक तो दुखी बहुत ही दुखद घटना है, तो परिवार वाला दुखी रहेगा ही, परंतु मेन ये था कि गिरफ्तारी वो जल्द से जल्द चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है। स्वयं रामगढ़ ताल क्षेत्र में हम लोग भ्रमणशील थे, कल रात में 3:30 बजे तक हम लोग यहाँ भ्रमणशील थे, एक एक जो सुराग मिल रहे थे उस पर कार्य किया जा रहा था और टीमें भी अलग अलग कप्तान साहब ने लगाई हैं जो कि अभी लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने जो समय अवधि हमें दिया है उसमें हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि गिरफ्तारी हो जाए।